हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शुरू एकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेश टॉपिक जो कि है पॉलीनोमियल्स, जिसका ये लेक्चर वन है। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो पॉलीनोमियल्स करेंगे और बेसिक से हम ग्रेजुअली हाई लेवल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, पॉलीनोमियल्स पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म्स का मतलब पता होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वो पॉलीनोमियल्स के डेफिनेशन में यूज़ होता है। सबसे पहले हम वो टर्म्स देखेंगे, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे पॉलीनोमियल्स के डेफिनेशन में। तो सबसे पहले आप ये एग्जांपल सुनिए कि मान लो मेरे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, एक स्क्वायर है ये एक, ठीक है, जिसका कि ये साइड एक्स है और एक्स है। ठीक है, अब आप लोगों को मालूम होगा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो स्क्वायर का एरिया होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। अब अगर मैंने एक्स को वैल्यू कुछ दी, जैसे मेरा अगर स्क्वायर मान लो 4 सेंटीमीटर का है, मेरा अगर ये जो 4 सेंटीमीटर का है, ये जो एक्स है उसकी वैल्यू मेरी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, मेरा स्क्वायर भी 4 सेंटीमीटर का, तो जो मेरा एरिया निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड 4 का स्क्वायर इज 16। ठीक है, तो मेरे स्क्वायर की जो एरिया निकल के आई वो क्या आई, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आई। अब मान लो मेरा जो स्क्वायर है उसका मैंने हर साइड से +1 कर दिया, हर साइड का लेंथ जो है मैंने +1 कर दिया, हर साइड का, पहले 4 थी, अब क्या हो जाएगी, मेरी एक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, हर साइड से मैंने 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, तो अब मेरा एरिया क्या निकल कर आएगा, 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 5 का स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा मेरा 25 हो जाएगा, 25 आ गया। सबसे पहले मेरा एरिया का जो स्क्वायर का एरिया था वो 16 आ रहा था और अब 25 आ रहा था। इसका मतलब क्या है कि पहले जो मेरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी वो थी 16 और अब क्या है 25, अब क्या है 25 है ना एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो एक टाइम पर एक आ रही है, दूसरे टाइम पे दूसरी आ रही है। अब अगर मैं एक्स की वैल्यू 6 कर दूंगी तो मेरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 आ जाएगी। तो हम ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमें इससे ये देखने को मिलता है कि जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो एक नहीं है, चेंज हो रही है। हम जैसे जैसे उसमें वैल्यूज़ रखते जा रहे हैं वैसे वैसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, उसकी वैल्यू एक फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, तो यहीं पर सबसे पहले तो यहीं पर यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि ऐसी जो चीज़ें होती है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं रहती है, चेंज होती रहती है, हम उसको एक टर्म बुलाते हैं जिसका नाम है वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एक्स स्क्वायर है वो कैसा है, वेरिएबल है। वेरिएबल, वेरी, इसका अंदर जो वर्ड है वो है वेरी, वेरी से बना है। वेरी मतलब क्या होता है, वेरी मतलब कोई चीज़ अगर चेंज होती रहती है, जब चेंज होती है तो हम उसको वेरी कहते हैं। तो वेरिएबल क्या होती है, वेरिएबल होता है वो सिंबल या वो चीज़ जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं रहती, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा टर्म, अब मान लो मैं एक स्टिक लेकर आई, जिसकी जिसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ये एक मैं स्टिक लेकर आई हूँ जिसका सेंटीमीटर कैसा है, जिसकी लेंथ क्या है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब अगर मैं कल सुबह इसको देखूँगी तो क्या ये स्टिक की लेंथ कुछ और हो जाएगी, घट जाएगी या फिर बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ होगा क्या, नहीं होगा ना। 4 सेंटीमीटर है तो कल भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, परसों देखूंगी तो भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, नर्सों देखूंगी तो भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, है ना। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो हर रोज़ क्या है, सेम ही है, 4 सेंटीमीटर है, चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ। तो हम ऐसे जो टर्म्स होते हैं, इसको अगर मैंने एक्स नाम दे दिया है इसका लेंथ जो कि 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हमारी एक्स की वैल्यू, एक्स नहीं मैं बोलूँगी इसको, मैं इसको ए से डिनोट करूँगी, स्मॉल ए से, ठीक है, स्मॉल ए से डिनोट करूँगी। तो ऐसी जो चीज़ जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, जिसकी वैल्यू कैसी है, फिक्स्ड है, तो हम ऐसे चीज़ को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट,
कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, फिक्स्ड रहती है उसका वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, फोर, नहीं फोर नहीं, आप कुछ और देखो, सिक्स, सिक्स है नंबर सिक्स। अब इसकी वैल्यू कभी चेंज होगी क्या? सिक्स की वैल्यू, अब ऐसा है कि आज आप इसको सिक्स पर बोलते हो, कल आप इसको कुछ और, इसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं होगा ना, ये हमेशा सिक्स है तो सिक्स ही इसकी वैल्यू रहेगी। तो ऐसी जो चीज़ जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, फिक्स्ड रहती है, इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट, इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो हमने भी वेरिएबल का मतलब समझ लिया, कांस्टेंट का मतलब समझ लिया। ठीक है, अब हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, अब हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो अगर मैंने मान लो एक वेरिएबल लिया, ठीक है, और मैंने एक कांस्टेंट ले लिया फोर, ठीक है, अब अगर मैं इनको कंबाइन करना चाहती हूँ, अब अगर इनको मैं कंबाइन करना चाहती हूँ, जोड़ना चाहती हूँ, तो मुझे कुछ चाहिए रहेगा जिससे मैं इसको कंबाइन कर सकूँ। ठीक है, मुझे कुछ चाहिए रहेगा तभी तो मैं इनको कंबाइन कर सकूँगी। तो मैं इनको कंबाइन करूँगी बाई यूजिंग फोर ऑपरेशंस, बाई यूजिंग फोर ऑपरेशंस, कौन कौन से, प्लस, माइनस, डिवाइड और इनटू। ये चार ऑपरेशंस हैं जिनकी मदद से हम कंबाइन करते हैं चीज़ों को, हम कंबाइन करते हैं चीज़ों को। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर प्लस से इन दोनों को कंबाइन कर दिया, प्लस से मैंने इसको कंबाइन कर दिया, ठीक है, किसको किया, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स का मैंने कॉम्बिनेशन बनाया बाई यूजिंग एडिशन एज एन ऑपरेशन। ठीक है, बाई यूजिंग एडिशन एज एन ऑपरेशन। तो ये जो मेरा बन के आया एक्सप्रेशन पूरा, ये जो मेरा पूरा एक्सप्रेशन बन के आया, इसको हम बोलते हैं एल्जेब्राइक, एल्जेब्राइक, यहाँ सी आ रहा है, ठीक है, एक्सप्रेशन, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हम कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ द फोर ऑपरेशंस, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, इज कॉल्ड एज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, हम दूसरा एग्जाम्पल एक और देखते हैं। मैंने यहाँ पर मान लो एक्स स्क्वायर किया माइनस फोर एक्स माइनस, नहीं प्लस कर लो यहाँ पर, फाइव अपॉन एक्स, ये किया मैंने, इसको मैं यहाँ पर क्यूब ले रही हूँ मान लो, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ले लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ठीक है। हम जनरली जो वेरिएबल्स होते हैं, हम उसको एक्स वाई जेड ऐसे वाले अल्फ़ाबेट्स जो है उससे हम डिनोट करते हैं, स्मॉल एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। लास्ट के जितने भी लेटर्स होते हैं मेनली हम उससे वेरिएबल्स को जनरली हम डिनोट करते हैं, और जो आगे के लेटर्स है यानी ए बी सी, ये सारे कॉन्स्टेंट्स के लिए यूज़ होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो आपको कहीं पर भी अगर पूरे मैथ्स में जब भी आप पढ़ो, आपको एक्स वाई जेड कभी भी दिखता है ना, तो आपको हमेशा उसको वेरिएबल की तरह लेके चलना है, जब तक कि वहाँ पर मेंशन ना हो कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एक्स को हमेशा कांस्टेंट वेरिएबल ही मानना, आप उसको कांस्टेंट भी मान सकते हैं, बट वो फिर वहाँ पर मेंशनड होना चाहिए, ठीक है। आपको मेंशन करना पड़ता है, वो आपको हायर क्लासेस में आप जब भी मतलब कहीं पर भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, बट यहाँ पर अभी आपको यही अपन के पूरे चैप्टर में आपको यही समझना है कि एक्स वाई सेट कहीं पर भी अगर आएगा तो दैट इज वेरिएबल, और ए बी सी स्टार्टिंग के जो अल्फाबेट्स आएंगे दैट इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन बना उसमें ये वेरिएबल्स थे हमारे तीन, ठीक है, और ये कॉन्स्टेंट है हमारा फोर और फाइव, और इसको हमने कैसे कंबाइन किया, एक्स स्क्वायर को इस वेरिएबल को इस कॉन्स्टेंट फोर, इस फोर के साथ कैसे कंबाइन किया, फोर एक्स क्यूब के साथ, फोर के साथ कैसे कंबाइन किया, माइनस का ऑपरेशन यूज़ करके, ठीक है। फिर मैंने इस कांस्टेंट को इस वेरिएबल के साथ कैसे कंबाइन किया, इनटू है बीच में, ये तो अंडरस्टूड है, फोर एक्स क्यूब मतलब क्या होता है, फोर इंटू एक्स क्यूब है ना, तो मैंने इसको क्या कंबाइन किया, फोर इंटू एक्स क्यूब से, जो कि हम जनरली यहाँ पर एक्स क्यूब नहीं लिखते क्योंकि वो अंडरस्टूड रहता है, ठीक है। प्लस फाइव से हमने जोड़ा, प्लस से फाइव, ठीक है, और ये डिवाइड करके मैंने इस वेरिएबल से इसको जोड़ दिया। तो ये जो पूरा हमारा आया वो क्या है, हमारा एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, वेरिएबल्स का मतलब समझ लिया, कॉन्स्टेंट्स का मतलब समझ लिया, और एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन।
ओके, तो अब हम लास्ट टर्म पढ़े, लास्ट एक और डेफिनेशन जो कि हमें पढ़ना है वो है कि किसी भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम टर्म्स को कैसे ढूंढते हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हम कैसे पता लगाते हैं कितने हैं, हमें वो देखना है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल हम देखेंगे, वो एग्जांपल है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, यहाँ पर लिखने जा रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, ठीक है, ये मेरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एल्जेब्रिक, अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स को ढूंढना है, क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ़ टर्म्स को। तो जो टर्म्स होते हैं वो ये, वो जो टर्म्स होते हैं वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, प्लस और माइनस से जितने, ये जो प्लस और माइनस जो ऑपरेशंस है उससे जो कि जो वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स जो सेपरेट हुए होते हैं ना, वो जो पार्ट्स कहलाते हैं वो कहलाते हैं टर्म्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन से, एक्स स्क्वायर और एक्स है, ठीक है, और कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से, फाइव और फोर है, ठीक है, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन तो है नहीं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन तो यहाँ है नहीं, एडिशन है। तो एडिशन से कौन कौन से टर्म्स जो है सेपरेट हुए हैं, ये प्लस से कौन कौन सेपरेट हुआ है, एक्स स्क्वायर और फोर सेपरेट हुआ है, ठीक है, फोर और फोर और एक्स किस से सेपरेट हुआ है, इनटू से, ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था फोर एक्स मतलब फोर इंटू एक्स, और इस एक्स से और एक्स से ये कॉन्स्टेंट फाइव कैसे सेपरेट हुआ है, एडिशन से, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो टर्म्स है उसको ऐसे गिनेंगे कि ये एडिशन से ये दोनों सेपरेट हुए हैं x और 4, ठीक है, और ये 4 और x किससे हुए हैं, इनटू से, पर मैंने आपको बताया जब टर्म्स हम गिनते हैं तो सिर्फ हम प्लस और माइनस को देखेंगे, बाकी किसी का हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हम उनको नहीं गिनते, सेपरेशन उनका नहीं गिनते। तो 4 और x को हम एक ही टर्म मानेंगे, 4 इंटू x को हम अलग अलग ना मान के एक मानेंगे, क्या मानेंगे, एक मानेंगे, यानी ये मेरा एक पहला टर्म था, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है, तो तीसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म हो गया, तो ये हो गया हम लोग का, इसमें जो है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने आ गए हमारे टर्म्स, तीन टर्म्स आ गए, ठीक है, हमारे कितने टर्म्स आ गए, तीन टर्म्स आ गए। एक और एग्जांपल देखिए, फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स अपॉन टू माइनस फोर, ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, हम इसमें देखेंगे कि हमारे टर्म्स कौन कौन से हैं। ये एडिशन हमें दिखा, जैसे हमें एडिशन दिखा हमने एक टर्म इसको मान लिया, दूसरा टर्म हमने इसको मान लिया, ठीक है, फिर हमें माइनस दिख गया तो हमने इसको एक टर्म मान लिया, तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि टर्म्स कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, बस आपको प्लस माइनस देखना है और उसके अगल बगल जितने भी उन सबको एक एक टर्म मानते हुए आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, आपको कुछ डाउट है तो आप वो भी हमें वहाँ पर कमेंट पर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अपना सेशन आगे डेफिनेशन से चालू करते। देखिए अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, अ सिंबल विच हैज़ अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ये मैंने आपको बता दिया कि ऐसी कोई चीज़ जिसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है, इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट। जैसे ये सारे नंबर, इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, 2-8, 2/3, 4, ये सब हमेशा वही रहेंगे, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, सो दीज आर कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। फिर अपना आता है वेरिएबल, वेरिएबल एक ऐसा सिंबल विच कैन टेक डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड एज वेरिएबल, जो कि मैंने आपको एग्जांपल एरिया का लेकर बताया था कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू उसमें हमेशा चेंज आ रही थी, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं रहती, चेंज होती रहती, हम उसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ वेरिएबल, जो कि है 2x2, 4x, 8x3, ये सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एक्स के में अगर मैं 1 डालूँ तो 2x2 यानी 2 वैल्यू आ जाएगी इसकी, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, अगर मैं 2 डालूँगी तो 2 2 4, 4 इंटू 2 इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। तो वैल्यू हम जैसे जैसे एक्स के अलग अलग वैल्यू पुट करते जाएंगे, हमारी वैल्यू अलग अलग आती रहेगी, तो ये वेरिएबल का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का है, अ
अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स कनेक्टेड विद सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस दैट इज प्लस माइनस इनटू एंड एडिशन इज कॉल्ड एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसका भी मैंने आपको एग्जांपल से सब समझा दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक और मैं एग्जांपल लिख देती हूँ। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड ऑपरेशंस, पूरा कॉम्बिनेशन हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये चारों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम हमारे मेन टॉपिक में आएंगे। नहीं, उससे पहले आप एक आपके लिए ये क्वेश्चंस है। हमको क्या पता लगाना है यहाँ पर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। मैंने आपको बता दिया टर्म्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन से हम अपना रिविजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। पहला देखिए, 3x² + 7x। मैंने आपको बोला था प्लस और माइनस को आपको देखना है, तो यहाँ पर आपको प्लस कितनी जगह मिल रहा है, एक जगह मिल रहा है, ठीक है। उसने किस किस को सेपरेट किया, 3x² और 7x को उसने सेपरेट किया है प्लस ने। तो एक टर्म ये हो गया और ये एक टर्म हो गया, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 2। इसमें कितने टर्म्स हैं, 2। कौन कौन से, 3x² और 7x, 3x² और 7x, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा। दूसरा देखिए, अब यहाँ पर प्लस और माइनस में जाइए, प्लस है कहीं, नहीं है। क्या है यहाँ पर, माइनस है। प्लस और माइनस में देखना है हमें, यहाँ पर माइनस है। तो माइनस ने किस किस को सेपरेट किया है, 5/8x को सेपरेट किया और 4 को सेपरेट किया, ठीक है। 4 और 5/8x, इसको एक पूरा लेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में इनटू और इनटू है, मल्टीप्लिकेशन है, 5/8 × x। तो उसको हमें अलग से नहीं गिनना है, एक टर्म लेकर गिनना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कितने टर्म्स है, 4 और 5/8x। तो यहाँ पर भी हमारा कितना हो गया, 2 टर्म हो गया, ठीक है। अब हम तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या है, प्लस और माइनस में देखना है। तो अब हमें यहाँ पर माइनस भी मिल रहा है, प्लस भी मिल रहा है और माइनस, 2 बार माइनस 1 बार प्लस मिल रहा है। अब देखिए, इस माइनस ने किस किस को सेपरेट किया, 6x³ और 2/3y, ठीक है, 2/3y को सेपरेट किया। तो यहाँ पर हमारा ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, इस प्लस ने इसको और इसको किया, तो ये तीसरा टर्म, एक इस प्लस ने इसको और इसको सेपरेट किया, और इसको हम ऑलरेडी माइनस के साथ गिन चुके हैं, तो हम डबल नहीं गिनेंगे, ठीक है, एक ही बार, हर उसको एक ही बार गिनना है। तो ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और इस माइनस ने इसको किया है, तो फोर्थ टर्म। तो इसमें कितने टर्म्स हो गए हमारे, टोटल 4। कितने टर्म्स हो गए, 4। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। इसमें कितने टर्म्स है ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, और अगर नहीं आ रहा है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे मेन टॉपिक में आते हैं, जो कि क्या है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कि लिखा क्या है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि अपन पढ़ चुके हैं अभी, हैविंग वेरिएबल्स विथ नॉन नेगेटिव पावर्स ओनली, ओनली, यहाँ पर ओनली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इज कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है, अलजेब्रिक, इसमें तीन, इसमें दो आ रहे हैं, जो दो टर्म्स ऐसे आ रहे हैं जो अपन पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और वेरिएबल्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स क्या होगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स तो होते ही हैं, ठीक है, अपन ने वो पढ़ लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बस इसमें ये खासियत है कि कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 1 + 1/x, ठीक है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ये डिवीजन के साथ इसने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, तो दिस इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमें ये देखना है कि क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, क्या ये एक्सप्रेशन जो है हमारा पॉलिनोमियल है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि पॉलिनोमियल का एक क्राइटेरिया होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, पर एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है उसमें, वो ये कि जो पावर होता है वेरिएबल्स का, जो पावर होता है ना, वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, यानी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जो वेरिएबल्स होते हैं उनके पावर्स क्या होने चाहिए,
पॉजिटिव होने चाहिए, यानी होल नंबर्स में होने चाहिए, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि किसी की भी पावर, मान लो यहाँ मैंने एक्स लिया है या वाई, जो भी आपको लेना है, उसकी पावर 0 अगर मैं करूँ तो इसकी वैल्यू 1 आती है। किसी की भी पावर 0 अगर आप करो तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 1। तो ये भी जिसको नहीं पता वो नोट डाउन कर लेना, ठीक है, आपको हमेशा काम आएगा। तो पॉलिनॉमियल क्या होता है? एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो पावर्स होती हैं वो क्या होनी चाहिए? आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो मेरा ये था अपना जो 1/x मैंने जो ये यहाँ पर दिया हुआ है, क्या ये मेरा पॉलिनॉमियल है? क्या ये मेरा पॉलिनॉमियल है? ये मुझे चेक करना है। अगर आप लोग अभी तक समझ गए हैं कि मैंने आप लोगों को क्या बताया, तो आप लोग अभी झट से सोच समझ जाएंगे कि मैंने आप लोगों को क्या बताया, तो उसके वजह से आप लोग ये भी बता पाएंगे कि ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं, ठीक है। तो अब आप फिर से देखिए इसको, 1/1+x, ठीक है। मैं इसको अगर ऊपर लेके जाऊँ तो ये मेरा क्या बनेगा? 1+x^-1, ठीक है। 1 × ये 1 है एज इट इज़, मैंने उसको लिखा नहीं, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? 1x^-1, ठीक है। जब हम डिवीजन की चीज़ को ऊपर लेके जाते हैं तो साइन अपोजिट हो जाता है, इसका मतलब अगर 1/x^-1 है तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो ये x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x था तो ऊपर लेके गए तो क्या हो गया? -1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, अब हमारे मतलब ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसी को मैंने ये लिखा है। अब यहाँ पर आप देखिए जो वेरिएबल है वो क्या है? x है। वेरिएबल क्या है? x है। और पॉलिनॉमियल होने के लिए क्या होना ज़रूरी है? वेरिएबल्स जो भी पावर्स हैं वो कितने, पूरे जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उसमें जो पावर्स हैं वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। 1 का पावर तो 1 ही है, ठीक है। और x की पावर क्या है? यहाँ पर माइनस में आ गई, नेगेटिव में आ गई। तो क्या हुआ इसका मतलब? कि ये जो है वो हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है, ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है। ओके, समझ में आ गया। तो सबसे पहला क्या है पॉलिनॉमियल का क्राइटेरिया? सबसे पहला कि वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, दूसरा ये कि नॉन नेगेटिव पावर्स होना चाहिए, ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल आप देख लो, जैसे मैंने लिखा x^2x+1, ठीक है। अब आप देखिए हम वेरिएबल्स के पावर्स को ही चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया हमारा। अब हम वेरिएबल में जाते हैं, सबसे पहले हमारा x है वेरिएबल, x^2 है, उसका पावर देखिए 2, पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर गए x है, इसका पावर क्या है? 1 है, तो ये भी ठीक है और आगे कुछ नहीं है। इसका मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, वेरिएबल्स का पावर पॉजिटिव भी है, तो ये क्या है? पॉलिनॉमियल हो गया, पॉलिनॉमियल है ये, ठीक है, समझ में आ गया। अब आप लोग को मुझे, अब आप लोग के लिए होमवर्क है, 1/2x+3/x^2, ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं आप लोगों को मुझे बताना है, ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं आप लोगों को मुझे बताना है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। चलिए, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और जो पुराने हैं वो लोग बेल आइकन नहीं दबाएं तो बेल आइकन दबाओ, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन भी दबाओ, तो आपके सारे आपको वीडियोस के बारे में तुरंत अपडेट मिल जाएगा आपके ऊपर ही, जब आप नोटिफिकेशन बार में ही आपका आ जाएगा कि शुरू अकेडमी में एक वीडियो अपलोड हुआ है, कौन सा है वो भी आपको वहाँ दिख जाएगा, ठीक है। साइंस का भी चल रहा है मोशन चैप्टर, तो आप उसको भी ज़रूर देखना, ठीक है। PDF के साथ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, और अभी वर्क पावर एनर्जी भी पूरा ख़त्म हो चुका है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अपन आते हैं, पॉलिनॉमियल पढ़ लिया अपन ने, अब अपन पढ़ेंगे कि पॉलिनॉमियल का डिग्री पढ़ेंगे, कि डिग्री हम कैसे फाइंड करते हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। तो सबसे पहले तो ये कि पॉलिनॉमियल्स कुछ किसी तरह के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि हम ये जो पहला पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं फॉर पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, फॉर पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल।
इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, ठीक है, जैसे 4x, 4+x, ठीक है, या आप x भी एक क्या है, पॉलिनोमियल है, 4+x में भी एक वेरिएबल है, 3-x² + 2 एक्स, यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल है एक्स, है ना, एक्स वेरिएबल है, ठीक है। तो ऐसे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है, हम उनको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि इसका डिग्री कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसका डिग्री कैसे निकालते हैं। तो क्या होता है, द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जो वन वेरिएबल वाले होते हैं उसमें हम डिग्री कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो उस पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल में हम वेरिएबल्स देखते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, ठीक है, मतलब एक ही वेरिएबल होगा क्योंकि अभी हमें वन वेरिएबल वाला पढ़ रहे हैं, तो हम सबसे पहले सारे वेरिएबल्स को देख लेते हैं और फिर हम उसकी पावर्स पे जाते हैं। अब हमें पावर्स को देखना है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, पावर्स को चेक करना है, ठीक है। फिर पावर्स को हम चेक करके ये देखते हैं कि सबसे बड़ा वाला पावर कौन सा है, सबसे बड़ा वाला पावर कौन सा है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, उस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला टर्म हमारा थ्री है, इसके साथ तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो आगे बढ़ो, x² आ गया, x आ गया हमारा, ये वेरिएबल मिल गया, इसका पावर क्या है, 2 है, इसका पावर क्या है, 2 है। फिर आगे बढ़ो, 2 ये कांस्टेंट है, x आ गया हमारा वेरिएबल, इसकी पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर क्या है, 1 है। तो अब हमें देखना है कि ये सारे हमारे पावर्स है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो बड़ा कौन सा है, 2। तो इस पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री क्या है, 2 है, इसकी डिग्री क्या है, 2 है, ओके। तो जो पॉलिनोमियल जिसमें एक वेरिएबल होता है, हम उसमें उसकी डिग्री कैसे निकालते हैं, पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल सारे चेक करते हैं, फिर वेरिएबल्स जो होते हैं उसके पावर्स देखते हैं, सबसे बड़ी जो पावर आती है वो डिग्री ऑफ दी पॉलिनोमियल हो जाती है, डिग्री ऑफ दी पॉलिनोमियल हो जाती है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, 4x² + 3x³ + 4। अब इसका देखिए, ये भी एक पॉलिनोमियल हुआ, है ना, सारे पावर्स पॉजिटिव है, तो ये एक पॉलिनोमियल हुआ। अब हम देखेंगे कि वेरिएबल्स कितने हैं, तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल इन द सेंस सिर्फ एक्स ही वेरिएबल यूज़ हुआ है ना, वाई जेड ये सारे तो यूज़ नहीं हुए, सिर्फ एक्स ही एक वेरिएबल यूज़ हुआ है। तो पहला हमने ये देख लिया कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, दूसरा हमने देख लिया कि वेरिएबल कितने हैं, तो हमें पता चल गया कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अब हम इस वेरिएबल्स का पावर चेक करेंगे, इस पावर है, इसकी जो पावर है वो 2 है, इसकी पावर 3 है, और इधर तो कुछ नहीं है, तो हम देखेंगे 2 और 3 आइए, तो बड़ा कौन सा हुआ, 3 हुआ, तो इसका जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल का वो क्या हो जाएगा, 3, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। तो हमने ये भी पढ़ लिया, बहुत ईजी है ये, इतना कुछ ऐसा लोड लेने वाला नहीं है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये आराम से, ठीक है। अब देखिए दूसरा, फॉर, अब हम कौन से किसका केस पढ़ रहे हैं, फॉर पॉलिनोमियल्स विथ मोर देन वन वेरिएबल्स। अभी तक हमने वन वेरिएबल का पढ़ा, अब वन से ज़्यादा का जिसमें आता है वो हम वो पढ़ेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया x² + xy + 4x²y, ठीक है, ये मैंने लिया। अब ये मेरा क्या है, पॉलिनोमियल्स विथ मोर देन वन वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स वेरिएबल भी यूज़ हुआ है और वाई भी यूज़ हुआ है, तो दो वेरिएबल्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं। तो अब इसमें क्या करते हैं, फॉर पॉलिनोमियल्स विथ मोर देन वन वेरिएबल्स द हाइएस्ट सम अमंग द सम ऑफ द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स इन ईच टर्म इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसमें टर्म्स देखते हैं, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल में ये एक टर्म है, ये एक दूसरा टर्म है, और ये एक तीसरा टर्म है, ठीक है। अब हम हर टर्म के जो पावर है ना उसका सम देखते हैं, ठीक है, हर टर्म के पावर का सम देखते हैं। जैसे यहाँ पर तो x² एक ही टर्म है, तो इसका जो है इसका कोई सम की बात नहीं है, इसमें तो 2 ही आएगा,
टू ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसमें एक्स और वाई अलग अलग है, तो एक्स की टर्म तो एक ही है, बट यहाँ पर एक्स की पावर क्या है, वन है, और वाई की भी पावर क्या है, वन है। तो वन प्लस वन हम करेंगे, क्या करेंगे हम, वन प्लस वन करेंगे। वेरिएबल्स के पावर्स को हमें ऐड करना है हर टर्म में, तो ये एक टर्म था, दूसरे टर्म में दो वेरिएबल्स है तो दोनों की पावर्स को हमने ऐड किया, तो यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है सम, टू आ रहा है, हमारा कितना आ रहा है, टू आ रहा है, ठीक है। फिर हम थर्ड टर्म में गए, यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, दो हैं, दो वेरिएबल्स हैं, इसकी पावर टू है एक्स की, वाई की कितनी है, वन, तो इसका कितना हो जाएगा सम, थ्री। इसका पावर कितना हो, इसका जो सम है वो कितना हो जाएगा पावर्स का, थ्री, ठीक है। इतना हमने कर लिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें सम को कंपेयर करना है और हमें हाईएस्ट ढूंढना है, मतलब इसका टू आया, इसका भी टू आया, इसका कितना आया, थ्री आया, तो हाईएस्ट कितना है हमारा, थ्री है, हाईएस्ट कितना है हमारा, थ्री है। तो इस जो पॉलीनोमियल है उसकी जो डिग्री है वो हमारी कितनी हो गई, पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी हो गई हमारी, थ्री, पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी हो गई हमारी, थ्री। तो हमें क्या करना है, ऐसे पॉलीनोमियल्स जिनकी, जिनमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं उसमें हमें सबसे पहले हर टर्म के जितने भी वेरिएबल्स हैं हर टर्म में जाना है, टर्म टू टर्म हमें जाना है, और उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका सम लेना है और फिर सम को कंपेयर करना है, जो भी सबसे हायर आएगा, हाईएस्ट आएगा, वो हमारी उस पॉलीनोमियल की डिग्री हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को समझाती हूँ। मैंने एक लिया 4x³ + 3x² एक और ले लो +z² यहाँ x है, ठीक है, ये 2 है, ठीक है, 2 है। 4x³ + 3x² + xz², ठीक है, ये है मेरा पॉलीनोमियल। अब मैं इसमें देखूंगी कि कितने वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है। तो मेरे कितने वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर तीन हैं, तो मोर देन वन वाला केस हुआ। अब हमें क्या करना है, टर्म जाने, टर्म्स पहले देखते कितने हैं, 4x³ y² पहला टर्म, दूसरा 3x², तीसरा टर्म xz², ठीक है। अब हम पहले टर्म में जाएंगे और वेरिएबल्स देखेंगे कौन कौन से हैं, एक्स और वाई है। अब इनकी पावर को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 + 2 हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो पहला हो गया। दूसरा हम जाएंगे 3x², इसमें कौन सा वेरिएबल है, एक्स, उसका सम की बात ही नहीं क्योंकि एक और कोई और एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं है, तो ये 2 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। फिर हम xz² में जाएंगे, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, x की पावर कितनी है, 1 है, z की पावर कितनी है, 2, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 3। अब हम पावर्स जो सम है उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, 5, 2 और 3 को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहला क्या, सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर 5 है ना, 5, 2 और 3 में सबसे बड़ा क्या है, 5 है। तो इस पॉलीनोमियल की जो हमारा गिवन पॉलीनोमियल है उसकी डिग्री क्या हो गई हमारी, 5, उसकी डिग्री क्या हो गई हमारी, 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ अ पॉलीनोमियल, वन वेरिएबल, मोर देन वन वेरिएबल, दोनों का ही हमने केस देख लिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। देखिए सबसे पहला क्या है, 3y² + 8y - 2, तो सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये पॉलीनोमियल्स है। वैसे तो ऊपर दिया हुआ है कि ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स, बट स्टिल आपको जब एग्ज़ाम में आएगा तो हो सकता है आपको ऐसा ना दिया हो, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लेना, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि ना आए, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि नो इट इज़ नॉट अ पॉलीनोमियल, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप देखिए पहला 3y² + 8y - 2, तो सबसे पहले हम टर्म्स देखेंगे कितने हैं, 1, 2 और 3, तीन टर्म है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, सबसे पहले ये देख लिया, फिर दूसरा हम देखेंगे कितने वेरिएबल्स हैं इसमें, तो इसमें कितने वेरिएबल्स है, वाई ही सिर्फ वेरिएबल यूज़ हुआ है, यानी ये कौन सा वाला केस हुआ, फर्स्ट वाला पॉलीनोमियल विथ वन वेरिएबल वाला, ठीक है, ये वाला केस है। अब हम देखेंगे
की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी है। यहाँ पर 2 है पावर, यहाँ पर 1 है पावर, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर 2 है पावर, यहाँ पर 1 है पावर, यहाँ कुछ नहीं है। तो सबसे हाईएस्ट पावर कितनी हुई आपकी, 2 हुई। हाईएस्ट पावर कितनी हुई, 2। 2 और 1 में हाईएस्ट कौन है, 2 है। तो ये जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी आ जाएगी अपनी, 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी अपना हो गया। सेकंड देखिए, 4x की पावर 4 माइनस 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने सारे पावर्स देख लिए, पॉजिटिव है यानी ये पॉलिनोमियल है, पहला चेकिंग हो गया। दूसरा ये कि इसमें हम टर्म्स देखेंगे कौन कौन से हैं, 4x की पावर 4, 3y स्क्वायर, y और 1, ये हमारे टर्म्स है, 4 टर्म्स हैं इसमें। ठीक है, फिर हम तीसरा देखेंगे कि कितने वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं इसमें, तो कौन कौन से वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं इसमें, x यूज़ हुआ है और क्या हुआ है, y, यानी दो टर्म्स, दो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, यानी हमारा दूसरा वाला केस हुआ, यानी पॉलिनोमियल विथ मोर देन वन वेरिएबल वाला केस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हर टर्म में वेरिएबल्स की पावर्स को का सम लेना है। क्या लेना है हमें, सम लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सम, x की पावर 4 है तो इसका सम लेने की बात ही नहीं आएगी, 4 है। ठीक है, 4 है, इसका क्या है, 2 है, इसमें भी सम लेने की ज़रूरत नहीं, इसमें भी सम लेने की ज़रूरत नहीं। y है तो y की पावर कितनी है, 1। ठीक है, y की पावर कितनी है, 1। तो हमारा सम लेने की किसी में भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हमें इसमें से इन पावर्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो 4, 2, 1 में क्या है सबसे बड़ा, 4 है। 4, 2, 1 में कौन है सबसे बड़ा, 4 है। तो इस पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री कितनी हो गई, 4 हो गई। कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। मैंने दो एग्जांपल्स ले लिए, दो क्वेश्चंस आपको करा दिए। अब जो बाकी बचे हैं वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग ये करिए और कमेंट में बताना। ठीक है, जो सबसे पहले आंसर देगा मैं उसके कमेंट को पिन करूंगी, कमेंट सेक्शन में वो सबसे ऊपर रहेगा। अब हम आगे देखेंगे। हाँ, तो बहुत सारे लोगों को शुरू अकेडमी ऑफिशियल मतलब टेलीग्राम चैनल ढूंढने में दिक्कत होती है, तो उन लोगों के लिए मैंने ये डाला है स्लाइड में कि हमारे ऑफिस जो हमारे चैनल है उसका नाम है शुरू अकेडमी ऑफिशियल। ठीक है, टेलीग्राम में आप जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको ऐसा दिख जाएगा। तो हमारा चैनल है, यहाँ पर आप जब खोलेंगे तो इसमें हमें नहीं दिखेगा, आप लोगों को दिखेगा नीचे, यहाँ पर ज्वाइन और डिस्कस का ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ज्वाइन करेंगे आप जब, तो आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे। यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे, सारे PDF मिलेंगे। ठीक है, आज जो आप अभी पढ़ रहे हो उसके भी आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा पूरा, साइंस का जितने भी आपको PDFs हैं, कुछ याद करने की जैसे स्क्वायर याद करने का 1 to 20, उसका भी मैंने वहाँ पर डाला था फ़ोटो, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे इस चैनल में। ठीक है, और बगल में एक डिस्कस का ऑप्शन रहेगा, उसको आप जब दबाएंगे, उसको भी आपको दबाना है। तो जब आप उसको दबाएंगे तो आप एक ग्रुप में पहुँचेंगे। ठीक है, ये हमारा चैनल था, ये एक ग्रुप है जिसका नाम क्या है, शुरू अकेडमी फॉर यू। इस ग्रुप में पहुंच जाएंगे आप ऑटोमेटिकली, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ शुरू अकेडमी ऑफिशियल सर्च करना है, आपको ये ज्वाइन करना है। जब डिस्कस दबाएंगे तो आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे, और जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो आप लोग वहाँ पर कुछ भी कमेंट, क्वेरी, फीडबैक जो भी आप वहाँ पर देना चाहें, पूछना चाहें, पूछ सकते हैं। आपस में भी बात कर सकते हैं आप लोग, डिस्कस कर सकते हैं, और आप लोग को मुझसे कुछ कहना है तो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, कोई भी फैकल्टी जिसकी भी आपको समझ में नहीं आ रही, जैसे साइंस हो गया, जिसका भी आपको समझ में, जो जिनसे भी आपको बात करना है आप वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इतना। अब हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो डिग्रीज के बेस्ड पर है। अपन अपने डिग्री पढ़ के आए हैं अभी अपन, है ना, डिग्री अभी अपन ने पढ़ा, पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, तो उस डिग्री के बेसिस पे अपन ने पॉलिनोमियल्स को किन्हीं टाइप्स में डिवाइड किया है, तो वो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये बहुत आसान है। क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, जैसे x प्लस 4।
एक्स प्लस फोर, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, इसमें एक वेरिएबल वाला केस है, ये एक वन वेरिएबल वाला केस है, और इसमें जो एक्स है उसकी पावर कितनी है, वन, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, वन, तो ये जो पॉलिनोमियल है वो हमारा कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। इसके आप बहुत सारे और एग्जांपल्स खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन होती है, इट इज़ कॉल्ड एज अ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पहला अपना हो गया। दूसरा टाइप देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री टू होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है, इसमें कितनी है पावर, टू है, ठीक है, किसमें कितनी है पावर, टू है, तो इसकी डिग्री कितनी है अपनी, टू है। अब मैं मोर देन वन वेरिएबल वाला आपको बता देती हूँ, एक्स वाई माइनस फोर प्लस एक्स। अब यहाँ पर देखिए, ये मोर देन वन वेरिएबल वाला है, वाई और एक्स दो वेरिएबल वाला है ये, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सम देखना है। पहले टर्म का सम कितना आ रहा है, टू, इसमें तो कुछ नहीं है, इसका टर्म, इसका सम कितना है, वन, सम की ज़रूरत नहीं, इसमें वन है, तो हाईएस्ट कितना है, टू, तो इसकी भी डिग्री कितनी हुई आपकी, टू, तो ये भी हमारा कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहला जिसकी डिग्री वन होती है, दैट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री टू होती है, दैट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आगे देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्या है, पॉलिनोमियल विद डिग्री थ्री, पॉलिनोमियल विद डिग्री थ्री। इसकी डिग्री आप लोग देखते ही पहचान गए होंगे क्या है, थ्री है। तो ये ऐसी जो पॉलिनोमियल होती है वो क्या होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी जिसकी जो डिग्री है वो क्या होती है, थ्री होती है, ठीक है। आगे ये अपन पढ़ चुके हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ लिया है, ये मैंने रिपीट कर दिया है, ये अपन पढ़ चुके हैं। दूसरा देखिए, जिसकी डिग्री फोर होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक बार आप एग्जांपल से देखिए, तो इसका एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ बाय क्वाड्रेटिक का, मोर देन वन वेरिएबल वाला मैं यहाँ पर एग्जांपल आप लोगों के लिए ले लेती हूँ, क्योंकि वन वेरिएबल वाला तो आप लोग कर ही लोगे। तो इसका मैंने लिया एक्स क्यूब वाई माइनस जेड प्लस एक्स, ठीक है, ये मैंने मोर देन वन वेरिएबल लिया है। यहाँ पर कितने वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, एक्स वाई जेड, यानी तीन वेरिएबल्स। तो पहला टर्म है, उसके वेरिएबल्स का सम देखिए, थ्री प्लस वाई की पावर कितनी है, वन, तो थ्री प्लस वन कितना आएगा आपका, फोर। जेड है तो इसकी पावर कितनी, वन, तो ये वन हो गया। एक्स की पावर कितनी, वन, तो फोर वन वन, इसमें हाइएस्ट कौन है, फोर है, इसमें हाइएस्ट कौन है, फोर है, तो इस जो डिग्री पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, फोर। इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, फोर। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हुआ, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो कि किस पर बेस्ड है, डिग्री पर बेस्ड है। डिग्री पर बेस्ड पे जितने भी क्लासिफिकेशंस हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब देखिए, अब हम नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं उसके बेसिस पे जितने भी हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं हम उसको पढ़ेंगे। ये बहुत ईजी है। सबसे पहला, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके जो टर्म्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, उन पॉलिनोमियल्स को हम मोनोमियल कहते हैं, मोनोमियल, ठीक है। जैसे फोर, जैसे एक्स, सिर्फ एक्स ले लो आप, ठीक है, या फिर सिर्फ फोर ले लो, सिर्फ थ्री ले लो, माइनस एक वाई ले लो, जेड ले लो, एक सिंगल टर्म जिसमें होता है हम उसको कैसे बोलते हैं, मोनो। तो मोनोमियल भी मैंने अपन ने पढ़ लिया, फोर एक्स का एग्जांपल लेके, ठीक है। बाइनोमियल क्या होता है, एक ऐसे पॉलिनोमियल जिसके कितने टर्म्स होते हैं, टू एक्स, जैसे टू एक्स प्लस वन, ठीक है, टू एक्स प्लस वन, ये कैसा है जिसमें दो टर्म से कौन कौन से, टू एक्स और वन, तो हम ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, बायनोमियल। जो जिसमें तीन टर्म्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, थ्री
प्लस माइनस रहने दीजिए 4y। ठीक है, इसमें कितने टर्म्स है, एक और लीजिए प्लस x मान लीजिए प्लस x। ठीक है, 3 माइनस 4y प्लस x, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है जिसमें कितने टर्म्स है, 3, 4y और x। ठीक है, 3 टर्म्स है, तो ऐसा जो पॉलिनोमियल होता है हम उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ठीक है, फिर फोर्थ क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल विथ ओनली वन टर्म विच इज़ अ कांस्टेंट, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल्स नहीं होते, सिर्फ कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, समझा चुकी हूँ मैं। तो कांस्टेंट हो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कोई वेरिएबल्स ना हो और कांस्टेंट ही हो बस, और कितने कांस्टेंट्स हो, सिर्फ एक कांस्टेंट हो, जैसे 3। या फिर हम इसको अ पॉलिनोमियल की जगह ऐसा भी बोल सकते हैं कि अ मोनोमियल विच डोंट हैव एनी विच डजेंट हैव एनी वेरिएबल्स, ओके, ओनली कॉन्स्टेंट्स होते हैं उसमें, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल विथ ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ वन टर्म होता है, और वो भी कैसा होता है, कॉन्स्टेंट टर्म जिसमें सिर्फ एक रहता है, हम उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स भी हमने पढ़ लिया, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डिग्री भी पढ़ लिया। डिग्री में क्या क्या था, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कौन कौन से थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, कांस्टेंट। ठीक है, तो आई होप आपको भी ये समझ, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब लाइक कर दीजिए अगर आप लोगों को सब समझ में आ गया है, तो तभी तो मुझे पता चलेगा कि कितने जितने लोग लाइक करते हैं वीडियो को, उन्हीं से मुझे समझ में आता है कि इन लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया है, तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। अब आगे देखिए, बस इतना ही है आज के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम लेक्चर 2 लेकर बहुत जल्द आएंगे। ठीक है, तो तब तक आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना, और नोट्स बनाने के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता दिया है, वहाँ जाके आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, अब तुरंत अभी जाएंगे तो आप लोगों का भी मिल जाएगा, तो अगर आप लोग ने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से, अभी आपने ये हो गया है सेशन, अब आप लोग जल्दी जाइए, ज्वाइन करिए। ठीक है, और PDF डाउनलोड करके आराम से नोट्स बनाइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।